सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 के पाठ एक हिंदी कविता कौन सिखाता है, इस कविता को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। इसमें कवि ईश्वर कैसे संसार को समायोजित करके चलाता है कवि ने बतलाया है। कौन सिखाता है चिड़ियों को, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता खुदक खुदक कर उनको चलना, कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग खाना, कौन सिखाता तिनके ला लाकर घोंसले बनाना। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची करना, ये ची ची छोटे छोटे चिड़ियों को कौन सिखाता है ची ची करना, कौन सिखाता है इनको फुदक फुदक कर उनको चलना। जो ये छोटे छोटे चिड़िये फुदक फुदक कर चलते हैं, इनको कौन सिखाता है, कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके लाला घोंसले बनाना, कौन सिखाता है फुर से उड़ना और दाने चुग चुग खाना, कौन इसको सिखाता है और कौन सिखाता है तिनके थोड़े थोड़े घोंसले बनाने के लिए चीज़ें लाना, कौन सिखाता बच्चों को लालन पालन उनको माँ का प्यार दुलार चौकसी, कौन सिखाता उनको, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, बच्चों को लालन पालन करना कौन सिखाता है, माँ प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता है उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता है। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देते, किंतु नहीं बदले में हमने वह कुछ भी है लेती। कुदरत ये कुदरत का खेल है, कुदरत ईश्वर का खेल है, वही हमको सब कुछ देती है और वही सबको सब कुछ देती है, किंतु बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है।